प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज के इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। देखिए, हम आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ सीट के बाद अब सभी की नजरें बनी हुई है मैनपुरी सीट को लेकर कि आखिरकार किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। आपको हम बताते चले कि मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, यानी कि डिम्पल यादव ने बीते कल अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अपने किस दिग्गज को वहां पर उतारेगी, यानी कि मैनपुरी का चुनाव जीतने के लिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारती है। आपको हम बताते चले कि मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए रालोद ने पत्ते खोल दिए हैं। गुज्जर प्रत्याशी पर दाव खेलते हुए बागपत की खेकड़ा सीट से तीन बार के पूर्व विधायक बहुचर्चित मदन भैया को मैदान में उतारा है। मुजफ्फरनगर जनपद की खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। रालोद ने इस सीट पर पत्ते खोल दिए हैं। गुज्जर प्रत्याशी पर दाव खेलते हुए बागपत की खेकड़ा सीट से तीन बार के पूर्व विधायक बहुचर्चित मदन भैया का को रालोद ने मैदान में उतारा है। रालोद अध्यक्ष जयंत सिंह ने रविवार को जिले में पीपलहेड़ा, तिसंग और मसूरपुर गांव में जनसभाएं भी की है। तीनों में गाजियाबाद के जावली गांव के रहने वाले पूर्व विधायक मदन भैया मंच पर नजर आए। दिन भर सियासी अटकलें लगाई जा रही थी। जनसभाओं के कुछ घंटे बाद ही रालोद के ट्विटर से पूर्व विधायक मदन भैया को उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले मदन भैया मुख्य चुनाव लोनी सीट से लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। रालोद जिला अध्यक्ष संदीप मलिक ने उनके प्रत्याशी बनाए जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि टिकट की घोषणा कर दी गई है। सपा रालोद गठबंधन अब पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा। खतौली उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया जाएगा। आपको हम बताते चले कि रालोद ने खतौली के उपचुनाव में पूर्व विधायक मदन भैया को मैदान में उतारकर पश्चिम यूपी में गुज्जरों को साधने की कोशिश की है। अब देखिए, यहाँ पर देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार कौन किसे यहाँ पर बड़ी हार का सामना करवाता है, क्योंकि लगातार अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा रही है और यहाँ पर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियाँ बहुत तेज है। और यहाँ पर बड़ा जो ये मुकाबला है, ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही देखने को मिल रहा है। लेकिन लगातार यही दावे किए जा रहे दोनों ही पार्टियों की तरफ से उनकी जीत होगी। खैर, आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किसकी जीत और किसकी हार। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।